सीतापुर जनपद के ब्लॉक रामपुर मथुरा में आज 56 लाख रुपए की लागत से सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने रामपुर मथुरा वासियों को सौगात दी है। क्या सौगात दी है, ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा। तो दुर्गेश बताएं, सांसद राजेश वर्मा ने रामपुर मथुरा में पहुंचकर किस चीज की सौगात क्षेत्रवासियों को दी है और क्या वहां पर कार्यक्रम रहा? जी निशांत जी, आपको आज जानकारी दे दें कि ब्लॉक रामपुर मथुरा स्थित नवीन डाकघर का आज सांसद राजेश वर्मा ने लोकार्पण किया है। साथ में शिवता विधायक ज्ञान तिवारी भी मौजूद रहे। और आपको जानकारी दे दें कि इस नवीन डाकघर की जो लागत थी वो 56 लाख रुपए की लागत से ये बनाया गया है और जनपद सीतापुर में ये चौथा डाक विभाग का डाकघर बनकर ये तैयार हुआ है। और इस डाकघर में आधार कार्ड संशोधन, आधार कार्ड नए बनाए जाना व सुकन्या योजना, बीमा पॉलिसी, महिला सम्मान बचत योजना, फिक्स डिपॉजिट तथा अन्य योजनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की। साथ ही साथ जो नए खाते खोले गए थे और नए सुकन्या बीमा योजना के तहत जो भी बच्चियों के और औरतों के खाते खोले गए थे उनको चेक और पासबुक उनको वितरित की गई। इस दौरान उन्होंने अपने क्या कहा, क्या जानकारी दी वहाँ क्षेत्रवासियों को, क्योंकि अब तो सांसद राजेश वर्मा को भाजपा टिकट भी मिला है और जो है चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं, तो ऐसे में वहाँ कुछ वादे भी करके गए होंगे। जी निशान जी, आपको जानकारी दे दें कि आज राजेश वर्मा ने अपने जो भी सीतापुर जनपद में विकास कार्य कराए हैं उनको विस्तृत रूप से उन्होंने चर्चा की उस पर। और उन्होंने बताया कि इस जनपद सीतापुर में 7 फ्लाईओवर एक साथ में बनवा रहा हूं, उसके बाद में आपके तंबौर की जो नदी पड़ती है उस पर 2 अरब रुपए का पुल जो बन रहा है उसके बारे में चर्चा की। साथ ही साथ में बताया कि चहलारी घाट से गणेशपुर तक जो एक बांध बना हुआ है उस बांध पे रेगुलेटर का कार्य किया जाएगा, उस पर एक पक्की सड़क बनाई जाएगी जिसके बाद में रामपुर मथुरा से और अयोध्या की जो दूरी है वो बहुत नजदीक हो जाएगी। इस पर सारी फोकस राजेश वर्मा ने किया। साथ ही साथ ज्ञान तिवारी ने भी अपने उद्बोधन में क्षेत्र की जो विकास कराया और भी सारे वादे किए कि रामपुर मथुरा से जो एक खान गांव से गोंडा देवरिया संपर्क मार्ग है इसको चौड़ीकरण, चुनाव के बाद चौड़ीकरण कराया जाएगा और जो भी विकास कार्य अधूरे रह गए हैं उनको और पूरा कराया जाएगा। साथ ही साथ डाकघर में आधार कार्ड, फसल बीमा योजना, अन्य योजनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की और लोगों से अपील की कि इस बार आप लोग फसल बीमा जो योजना है फसल बीमा योजना जरूर कराएं ताकि जो बाढ़ आती है या बरसात होती है उससे जो नुकसान होता है वो आप लोगों को पूरा मिल सके। बिल्कुल, ये बताएं दुर्गेश जी, इस दौरान जो है ये कार्यक्रम हुआ जब तो कौन कौन मौजूद रहा वहाँ पे? जी निशांत जी, आपको जानकारी दे दें कार्यक्रम के दौरान रामपुर मथुरा में जब ये कार्यक्रम था तो इस समय पोस्ट मास्टर जनरल विवेक कुमार दक्ष और शैल कुमार यूपी परिमंडल सहायक जो हैं वो उपस्थित रहे। सहायक अधीक्षक जेपी त्रिवेदी, प्रवीण कुमार, सांसद प्रतिनिधि गिरिजेश गुप्ता, चंद्रभूषण शुक्ला, छोटेलाल मिश्रा, मंडल अध्यक्ष मनोज सिंह, राजित राम मिश्रा, लक्ष्मी नारायण मौर्य, धीरेन्द्र मिश्रा, जीत सिंह, प्रदीप वर्मा, मुकुंद तिवारी, राम विजय मौर्य, सतनाम सिंह, ब्रजेश शुक्ला, देवराज तिवारी, छोटेलाल मिश्रा, अभिनय मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। बिल्कुल, आप बता दें कि आज ब्लॉक रामपुर मथुरा में जो है उप डाकघर का निर्माण कराया गया जिसका लोकार्पण सांसद राजेश वर्मा और सेवता विधायक ज्ञान तिवारी के द्वारा किया गया और उन्होंने जो है डाकघर में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया और सरकार की योजनाओं को भी गिनाया। फिलहाल इसके साथ जो है सांसद राजेश वर्मा ने जो कार्य किए हैं सीतापुर जनपद के लिए वो भी जो है गिनाया है, वहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं, लोगवासी हैं, ग्रामीण, उन सबसे जो है अपनी योजनाओं के बारे में बताया और आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें साथ देने की बात भी कही। फिलहाल आपको सुनाते हैं कि राजेश वर्मा ने अपने बोधन में क्या कुछ कहा। हमने पढ़ी थी, तमाम इस भवन को बनाने में विसंगतियां थी। जब 2014 में हमने इस इलाके का प्रतिनिधित्व किया तो तत्कालीन डाक अधीक्षक जो हमारे क्लासमेट भी थे श्री आनंद अवस्थी जी, उन्होंने हमको इस बिल्डिंग के बारे में, इस जगह के बारे में विस्तार से बताया। मैंने कहा आप बिल्कुल भरोसा रखिए। उस टाइम हमारे संचार मंत्री जो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, वो हमारे तत्कालीन संचार मंत्री थे श्री मनोज सिन्हा जी। मैंने पूरा डिटेल लेकर के संचार मंत्री से हमने बात की और बात करने पर उन्होंने पूरा आश्वासन हमको दिया कि राजेश जी इसका हम अध्ययन करा लेते हैं, निश्चित रूप से इस भवन के निर्माण के लिए जो भी
अवरोध है उनको हम दूर करके इस भवन का निर्माण कराएंगे। आइए अब आपको सुनाते हैं कि सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने अपने संबोधन में क्या जानकारी दी और क्या कहा। जब एक चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बनता है, जब आपकी कमल के बटन दबती है और श्री राजेश वर्मा जैसे सांसद बनते हैं, तो सीतापुर से 70 किलोमीटर दूर अंतिम पायदान पे इस डाकखाने की नींव रख करके और बनाने का कार्य होता है। इसलिए पुनः हम चाहेंगे जोरदार तालियों से श्री राजेश वर्मा जी का स्वागत एवं अभिनंदन एवं वंदन। तो आपने सुना कि सांसद राजेश वर्मा ने क्या कहा। अब आपको सुनाते हैं कि आई इंडिया के जो रामपुर मथुरा संवाददाता है दुर्गेश मिश्रा, उन्होंने जब बात की राजेश वर्मा से तो उन्होंने इस बात पे जो इस प्रोग्राम हुआ उसमें क्या जानकारी दी। आप जनपद सीतापुर के विकास के लिए और इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या आगे की योजना है? मैंने अपने उद्बोधन में भी सारा कुछ बताया है, आपके पास कहीं छिपा नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि जो विकास बच गया है वो पूर्ण करेंगे। अगला जो हमारा लक्ष्य होगा, सीतापुर विकसित कैसे बने, औद्योगिक विकास कैसे हो, इस पर हमारा फोकस होगा। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि सीतापुर उत्तर प्रदेश के इन्हें गिने जिलों में विकसित होने में आगे बढ़ करके आएगा। हाँ, माननीय सांसद जी, आपने भी अपने उद्बोधन में कहा भी और लगातार आपने प्रयास भी किया, थान गाँव से गोंडा देवरिया जो संपर्क मार्ग है, लगातार लोगों का कहना भी है कि सांसद जी ने वादा भी किया और उसके बाद में ये वादा किया गया था कि 2024 चुनाव के पहले इस पर सड़क पर कार्य चालू हो जाएगा, इसके बारे में क्या? देखिए, बड़े कार्य होते हैं, स्वीकृति में विलंब भी होता है, कभी जल्दी होती है। निश्चित रूप से वो पाइपलाइन में हमारा काम है और चुनाव के तुरंत बाद उस पर काम चालू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं आई इंडिया, मैं दुर्गेश मिश्रा, रामपुर मथुरा से। तो आपने सुना कि आई इंडिया से खास बातचीत के दौरान सांसद राजेश वर्मा ने कहा जो विकास कार्य अभी बच गए हैं उनको भी पूर्ण कराने हैं और उनका जो फोकस है वो सीतापुर कैसे विकसित हो इस पर फोकस रहेगा। फिलहाल आपको बता दें कि 2023 में सांसद राजेश वर्मा ने वादा भी किया था थानगांव और गोंडा देवरिया का जो मार्ग है उस पर उसके लिए जो है उन्होंने वादा भी किया था और उस पर जो उन्होंने कहा है कि चुनाव के बाद जो है यानी कि चुनाव जैसे जीतते हैं उसके बाद उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए दुर्गेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।